तो हमारी ट्रेन खुल चुकी है और 35 मिनट लेट हो चुकी है अभी तक, और देखते हैं अपने समय को कैसे मैनेज करती है ये। तो 35 मिनट लेट हो चुकी है हमारी ट्रेन, देखते हैं। जम्मू तवी से अहमदाबाद के बीच में इस ट्रेन की कुल 45 हॉल्ट्स हैं, जिसमें से यह अपनी सबसे पहली हॉल्ट्स पे रुकी है विजयपुर जम्मू, और यहाँ पे इसके मात्र 2 मिनट की हॉल्ट्स है, फिर यहाँ से डिपार्च हो जाएगी। तो अभी हमारी ट्रेन पहुंची है कठुआ, और यहाँ पर भी अभी आधा घंटा की देरी चल रही है, और यहाँ पे हमारी ट्रेन की मात्र 2 मिनट की हॉल्ट है। और ये जो स्टेशन है हमारी ट्रेन की, जम्मू कश्मीर की आखिरी स्टेशन है, इसके बाद हमारी ट्रेन जो है वो इंटर कर जाएगी पंजाब में, और पंजाब में इसकी पहली स्टॉपेज होगी पठानकोट जंक्शन। जम्मू से लीव कर रहे हैं और इंटर करेंगे पंजाब में, और इसके साथ ही हमारी जो मोबाइल की नेटवर्क चली गई है वो भी चली आएगी। हमारी ट्रेन जो है पठानकोट के काफ़ी करीब आ चुकी है, और पठानकोट जो है इंडियन मिलिट्री की सबसे बड़ी बेस कैंप है। अब शायद एशिया में भी सबसे बड़ी होगी, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, बट लगता तो है कि एशिया की सबसे बड़ी कैंप होगी शायद। उधर देख रहे हो पूरी है जो इंडियन मिलिट्री की बेस कैंप है। तो यहाँ पर भी हमारी ट्रेन जो है 25 मिनट लेट आई है, और यहाँ से ये खुलेगी 10:50 में, क्योंकि 25 मिनट इसका हॉल्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी। बहुत बड़ा जंक्शन है ये। तो हमारे इस ट्रेन का जो लोकोमोटिव है वो आगे से डिटैच होके आ रही है और जाके उस तरफ लगेगी।
ये जा रही है हमारी WDP-4D लोकोमोटिव। बिल्कुल 25 मिनट स्टॉपेज के बाद हमारी ट्रेन जो है पठानकोट से डिपार्च हो चुकी है और अब हम आगे चले आए हैं, मतलब हमारी कोशिश जो है आगे हो चुकी है और जिस दिशा से हम आए थे उसी दिशा में हम जा रहे हैं। तो ये जो रूट देख रहे हो आप, ये जम्मू तवी का, सीधे हम आए थे और गए थे पठानकोट। यहाँ से ट्रेन है वो मुड़ रही है और जाएगी पठानकोट कैंट। और ये आप देख सकते हो कि हम कितना आगे हो चुके हैं। मिनट होल्ड के बाद हमारी ट्रेन जो है पठानकोट छावनी से डिपार्च हो चुकी है। वैसे तो हमारी गाड़ी 35 मिनट लेट चली थी जम्मू तवी से, लेकिन जलंधर पहुँचते पहुँचते ये 20 मिनट पहले पहुँच गई है। तो समझ सकते हो आप, ये अपने टाइम को कवर करने में काफ़ी तेज़ है। और ये जलंधर जंक्शन है, सिटी जंक्शन, और यहाँ पे आप खाने पीने खा सकते हो। यहाँ पे खाने पीने की पूरी व्यवस्था रहती है। तो इसका जो टाइम था पहुँचने का यहाँ 1:10 का था, लेकिन ये पहुंच गई है 12:50 में, पूरे 20 मिनट पहले पहुंची है। तो दिखाते हैं यहाँ से आपको डिपार्चर। देखो जी पंजाब, हरियाली ही हरियाली है। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी 2 मिनट की होल्ड थी और इसके बाद आएगी हमारी फिरोजपुर कैंट, जहाँ पे हमारे फिर जो इंजन है वो चेंज होगा और फिर से मैं जो हूँ वापस पीछे हो जाऊँगा।
हमारी गाड़ी जो है फिरोजपुर कैंट से एकदम राइट टाइम पे निकली है। 4:30 का टाइम था और 4:30 में ही निकली है। हालांकि यहाँ पे ये 25 मिनट पहले पहुँचा दी थी, तो फिर से हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते में जा रहे हैं और फिर से हम पीछे हो चुके हैं। तो ये दूसरी बार है जब हमारी ट्रेन की जो इंजन है चेंज हुई है और अब हम इसी तरह पीछे नहीं जाएंगे। अब इंजन हमारी चेंज नहीं होगी। हमारी पंजाब की सबसे लास्ट स्टॉपेज है। तो ये हमारी आखिरी हॉल्ट है पंजाब में। तो हमारी गाड़ी है सुबह 9 बजे से लेके अभी कितने बजे हैं, 6 बजे तक पंजाब में चली है। इसके बाद एक हॉल्ट लेगी हरियाणा में और उसके बाद हमारी गाड़ी जो है चल जाएगी राजस्थान में, और राजस्थान में रात भर चलेगी और सुबह तक चलेगी। उसके बाद हम जाएंगे गुजरात में। तो अगर आपको खाना वाना खाना है तो यहाँ पर खा सकते हो। तो भाई हम खा लेते हैं क्योंकि सुबह हम जम्मू तवी में खाए थे, उसके बाद हम नहीं खाएं। तो यहाँ से छोले भटूरे खा लेते हैं, 40 के 3 दे रहे हैं। 30 का 2 40 का 3 अगर एक और लेना तो 40 हो जाएगा। आयो आयो करो। गरम आयो भटूरे आयो। भूख लगी थी तो मैं खाने लगा क्योंकि मैं जम्मू तवी में खाया था, उसके बाद नहीं खाया। तो भाई छोले भटूरे तो बहुत अच्छे थे। और अब हम पंजाब बुक कर रहे हैं, टाटा बाय बाय। और थोड़ा सा इंटर करेंगे हम हरियाणा में, एक ही स्टेशन है हरियाणा में मंडी, उसके बाद फिर चले जाएंगे हम राजस्थान में। तो भाई बठिंडा में 10 मिनट का हॉल्ट था, उतने में मैंने खाना भी खा लिया और छोले भटूरे भाई अच्छे थे इनके, और कभी आओगे तो यहाँ पे खा लेना, यहाँ पे खाना अच्छा मिलता है। तो ये हरियाणा की नहीं सॉरी तो ये पंजाब की आखिरी स्टेशन थी, उसके बाद हम इंटर करेंगे हरियाणा में। बस एक ही स्टेशन है मंडी, थोड़ा सा अभी वहाँ पे इंटर करेंगे, फिर जस्ट आ जाएंगे राजस्थान में। तो पूरा अंधेरा हो चुका है और अभी 6:30 बजे हैं और हमारी गाड़ी जो है एकदम टाइम पे चल रही है। तो भाई मिलते हैं हरियाणा में आपसे, एक ही स्टेशन है मंडी और उसके बाद राजस्थान। मंडी डब वाली भाई, तो यही है हरियाणा के लास्ट स्टेशन जहाँ हमारी ट्रेन की स्टॉपेज थी, और एकदम टाइम पे आई है। और इसके बाद हमारी गाड़ी जाएगी राजस्थान में। तो ये स्टेशन पूरा अंधेरा अंधेरा है, छोटा सा स्टेशन है ये मात्र। यहाँ पे हमारी मात्र 2 मिनट की हॉल्ट थी। तो भाई हमारी गाड़ी जो है पंजाब में चली
9 से 6 बजे तक, हरियाणा में चलेगी मात्र आधे घंटे और राजस्थान में चलेगी पूरी रात और सुबह तक, मतलब 8-10 बजे तक। तो मिलते हैं आपसे राजस्थान में, क्योंकि पूरा अंधेरा हो चुका है, आपको कुछ दिखेगा भी नहीं।